back to my channel. For those of you who don't know me, hi, my name is Prarthana Banerjee and I make videos on pretty much everything. Now this video, ये मेरा second attempt है film करने का, because like the first video that I filmed, मैंने उसको natural lighting में film किया था and पूरा video खराब हो गया था. But ये video हिंदी में होने वाला है because आप लोगों को मेरी हिंदी पसंद आ रही है. So even though I'm more comfortable in English, I'm going to make this video in Hindi. And इस video में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कुछ चीजें which completely changed my life, which had an amazing positive impact on my physical health, mental health, spiritual health altogether. इसमें हर तरह की चीजें रहेंगी. So without further ado, let's get started with the video. मेरी जो फर्स्ट हैबिट है दैट इज सुबह में सबसे पहले दिन की शुरुआत मैं करती हूँ एक ग्लास पानी से. और एक ग्लास पानी सबसे बेयर मिनिमम है. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 800 मिलीलीटर से एक लीटर पानी पीऊँ, क्योंकि जब आप लोग रात में सोते हो 6 से 8 घंटे योर बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ वाटर. बॉडी को डिहाइड्रेशन होता है. आपके ऑर्गन्स और आपके पूरे शरीर को सुबह सुबह जगाने के लिए पानी पीना बहुत जरूरी है. कुछ लोग नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग एप्पल साइडर विनेगर पानी पीते हैं, कुछ लोग ऐसे गर्म पानी पीते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का पानी पीना है. आप लोग अपना डिटॉक्स ड्रिंक पी सकते हो, आप लोग नॉर्मल पानी पी सकते हो, गर्म करने की भी जरूरत नहीं है. लेकिन सुबह सुबह उठ के पानी पीना बहुत जरूरी है. दिस इज माय फर्स्ट हैबिट एंड एन एब्सोल्यूट मस्ट, बिकॉज ये मैं काफी सालों से करती आई हूँ. और हाँ, काफी लोग सुबह सुबह उठ के खड़े होकर बहुत सारा पानी पी लेते हैं. आयुर्वेदा कहता है कि आपको पानी को भी खाने की तरह पीना चाहिए. बैठ के आराम से टाइम लेके पीजिए ताकि योर बॉडी एक्चुअली अब्सॉर्ब्स इट. हाइड्रेट योर बॉडी. इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू डू लाइक मेक इट योर हैबिट एज द फर्स्ट हैबिट ऑफ योर डे. द फर्स्ट रूटीन शुड लाइक योर रूटीन शुड स्टार्ट विद दिस वेरी एक्ट. सो या, दैट इज माई फर्स्ट हैबिट एंड एन एब्सोल्यूट मस्ट डू फॉर ऑल ऑफ यू गाइज एज वेल. My second habit is about eating the rainbow. Now, अगर आप लोग confused हो गए, इसका मतलब शायद आप लोगों ने मेरे Indian diet plan को नहीं देखा. उसमें मैंने लिखा था, mention किया था about the rainbow salad. रेनबो को खाना मतलब ये है कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि अपनी हरी सब्जियां खाओ, ईट योर ग्रीन वेजिटेबल्स. बट इट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट कि आप लोग हर तरह के रंग के फल और सब्जियां खाए. हर तरह के रंग का मतलब ही क्या है? एक एक फल और सब्जी का एक एक रंग होता है. इसका मतलब यह है कि एक एक फल और सब्जी में अलग अलग फाइटोकेमिकल्स हैं, और अलग अलग फाइटोकेमिकल्स आपके शरीर की अलग अलग जगह पे अलग अलग फायदे में काम आता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, आपको हर तरह के रंग की सब्जियां खानी चाहिए. कुछ फाइटोकेमिकल्स आपको कैंसर को बीट करने में हेल्प करेगा, कुछ फाइटोकेमिकल्स आपके लिवर को अच्छा करेगा, कुछ फाइटोकेमिकल्स आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके वजह से मैं हर तरह के रंग के 2 to 3 माई बेयर मिनिमम येट अगेन, मैं कम से कम 2 से 3 तरह के रंग के फल और सब्जियां खाती हूँ और उससे ज्यादा खाने की कोशिश करती हूँ. सो हाँ, फल और सब्जियां तो जरूर खाइए, बट मेक श्योर कि यू आर एक्चुअली ईटिंग योर रेनबो. माई थर्ड हेल्दी हैबिट इज मेडिटेशन. एंड बट मेडिटेशन मेरे बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको एक कैंडल की तरफ, मोमबत्ती की तरफ 1 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट करना है. अगर आप लोग वो कर सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. लेकिन I at least try to meditate for at least 5 to 10 minutes per day and it has had such good impact in my life. I have had a very love and hate relationship with meditation. मेरे को meditation से ज़्यादा पहले believe नहीं होता था, because शुरुआती में it takes you a while. आपको थोड़ा time लगेगा कि आपको उसकी फायदे अपने life में actually दिखने लगे. But trust me guys, it can truly calm you down. It truly calms my nerves. And in general, मैं उतनी calm headed person नहीं हूँ. I'm always on my toes. हमेशा मैं बहुत चंचल हूँ. सो या, इट रियली काम्स यू डाउन. इट विल हेल्प यू थिंक स्ट्रेट, थिंक राइट. मेडिटेशन कैन ट्रूली चेंज योर लाइफ. इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. आप शुरुआती में सिर्फ एक जगह पे बैठ के आंखें बंद करके 1 से 100 गिनने की कोशिश कीजिए. पर इतनी कोशिश कीजिए कि जब आप 1 से 100 गिन रहे हो, तब आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे. तो 10-15 दिन ट्राई कीजिए, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए. एंड आई हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन. ऐसे कुछ एप्स हैं, एक ऐप मैं खुद पर्सनली यूज करती हूँ विच इज हेड स्पेस. ऐसी और एक ऐप है कॉल्ड काम. सो यू कैन गो फॉर गाइडेड मेडिटेशन, जहां पे आपको ईयरफोन्स लगाने पड़ेंगे, म्यूजिक चलेगा, आपको वो लोग बताएंगे कि आपको कब क्या कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, कैसे करना है. इट कैन रियली हेल्प यू आउट. दिस इज माई थर्ड हैबिट एंड इट हैज
absolutely really really strengthened my mind, strengthened my way of thinking. It has really incorporated a lot of positivity in my life. My fourth healthy habit, ये मैंने अपने एक पुराने वीडियो में mention जरूर किया है, पर ये एक recent habit है, so मैं इसको इस वीडियो में भी mention करूंगी, and that is changing your bed sheet and your pillow cover. Guys, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब स्पेशली जस्ट सोचिए, अभी बारिश, कहीं पे बारिश है, कहीं पे अभी भी गर्मी चल रही है, तो फिर सिर्फ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डस्ट वगैरह ही नहीं, ऑयल है, आपके सर के डैंड्रफ है, सब कुछ आपके पिलो कवर और बेडशीट पे जाके पड़ता है, और उस पे आप लोग सोते हो तो वो बैक्टीरिया डायरेक्टली आपके फेस पे आएगा. तो आप कितना भी स्किन केयर कर लो, कितना भी मुंह धो लो, अगर आप दिन में 8 घंटे उस बैक्टीरिया पे सोओगे तो फिर इट इज गोइंग टू गिव यू एक्ने. इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप हफ्ते में एक बार तो जरूर, कम से कम 2 बार कोशिश करो कि आप अपने बेड कवर और पिलो कवर को चेंज करो, बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर योर स्किन एंड हेयर बोथ. एंड आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस. दिस इज अ वेरी गुड हैबिट दैट यू कैन डू, एंड दिस इज एन एब्सोल्यूट मस्ट डू. माई नेक्स्ट हेल्दी हैबिट इज डूइंग both cardio and strength training or weight training. I know especially लड़कियों को for some reason society ने brainwash करके रखा है कि आप लोग को weight training नहीं करना चाहिए because you look a certain way and that is masculine. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Let me give you a matter of fact. Let me tell you a matter of fact. WHO बोलता है कि आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार strength training या weight training करना चाहिए. और सोचिए क्यों? क्योंकि as you age आपका muscle mass और bone density दोनों कम होने लगता है. So it is very important कि आप लोग strength training करें, अपने कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाए, अपने लीन मसल्स को बढ़ाए, एंड नॉट ओनली विल इट एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन जनरल, इट विल आल्सो आपको मतलब बुढ़ापे में जो कमर दर्द, गर्दन दर्द, हाथ पैर दर्द, इन सब चीजों से आपको बचाएगा. आप लोग ज्यादा दिनों तक जवान रह पाओगे. एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आप लोग लीन मसल बढ़ाओगे इसका मतलब ये है कि आप लोग बैठे बैठे भी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप लोग अपने चीट मील्स को खाते टाइम ज्यादा गिल्टी फील नहीं कर पाओगे बिकॉज यू विल नो दैट यू आर गोइंग टू बर्न दैट कैलोरी वेरी क्विकली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ कार्डियो ऑफकोर्स करना चाहिए, पर कार्डियो से क्या होता है, आपका सिर्फ फैट लॉस ही नहीं, मसल लॉस भी होता है. जैसे जैसे आप लोग वेट लॉस करते रहोगे, मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो इंक्लूडिंग वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, घर पे जो है वाटर बॉटल ले लो, कुछ चीज ले लो, वाज ले लो, उससे वेट ट्रेनिंग करो, उससे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो. गो फॉर नॉर्मल, अपने बॉडी वेट को लेके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, पुशअप करो, प्लैंक करो, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट जस्ट डूइंग कार्डियो, इनकॉर्पोरेट वेट ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. दिस इज माई हेल्दी हैबिट. आई मेक श्योर कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए, बट मैं 3 से 4 दिन कम से कम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या यू नो वेट ट्रेनिंग करती हूँ. एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन में एकदम 30 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एवरी टाइम, आई एम फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू इट. कभी जब मन करता है मैं 30 मिनट से 40 मिनट करती हूँ, कभी जब मन करता है मैं 15 मिनट करती हूँ, पर मैं करती हूँ. इट इज सो इम्पॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू टोन योर सेल्फ डाउन. आपको लूज मसल, लूज स्किन का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कमर दर्द, गर्दन दर्द, इन सब चीजों से राहत मिलेगी. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप लोग सिर्फ कार्डियो ही नहीं, आप लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हो. My next habit is actually spending some quality time with my loved one. अब आप लोग सोच रहे होंगे quality time में habit का क्या है, but हम लोग it's just the digital age, you know, कि हम लोग ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने loved one के साथ बैठते तो हैं, अपने friends, family, मम्मी पापा, partner के साथ बैठते हैं, लेकिन ज्यादातर time हम लोग अपने phone में busy रहते हैं, और फिर हम लोग सोचते हैं अरे वाह कितना अच्छा दिन था, हमने quality time spend किया. But guys, when you actually go ahead and spend that quality time, आपके body में एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज ऑल्सो नोन एज द लव हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, विच एक्चुअली हेल्प्स यू रिड्यूस स्ट्रेस. एंड इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप क्वालिटी टाइम अपने लव वन के साथ स्पेंड करें, बिकॉज लाइक अभी तो स्पेशली हम सबको उस टाइम का एक्चुअली जो यू नो वर्थ है, जो महत्व है, वो समझ में और भी ज्यादा आ रहा है, बिकॉज हम लोग अपने लव वन के साथ मिल ही नहीं पा रहे, कितने महीनों से नहीं मिले, कब नेक्स्ट मिलेंगे पता भी नहीं. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि चाहे वीडियो कॉल करो, चाहे सच में मिलो, मेक श्योर दैट यू कीप द गैजेट्स अवे, अपने फोन और गैजेट्स को दूर रखो. मैं ऐसी लड़की थी कि मैं हमेशा मिलती थी, और मैं लाइक फोटोग्राफ्स इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बट मेरे को पहले लगता था कि सेल्फीज लेना है, खाने का सेल्फी लेना है, एक दूसरे के साथ सेल्फी लेना है, उसको तभी एडिट करना है, सब कुछ तभी करना है. इसी बीच में वो टाइम निकल जाता था, क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर पाती थी, और फिर बाद में मुझे लगता था कि यार मतलब और ज्यादा चाहिए था, और ज्यादा टाइम चाहिए था. ये वैसे भी होता है, लेकिन इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आप लोग गैजेट्स को दूर रखो, किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को दूर रखो,
spend some quality time in real self, in real sense with your loved ones. And it is so important. This is one major drastic change that I have, you know, incorporated in my life. And ये मेरे को self-realization के साथ हुआ. कुछ ही महीने हुए हैं कि ये मैंने सच में incorporate करना शुरू किया है और अब ये मेरी आदत बन चुकी है. मैं pictures जरूर लेती हूँ पर या तो एकदम शुरुआती में ले लेती हूँ या एकदम सब पूरे दिन के खत्म होने के टाइम लेती हूँ. लेकिन आई मेक श्योर कि जिससे मैं मिलने गई हूँ मैं सच में उसके साथ हूँ. सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली और स्पिरिचुअली भी मैं अपने लव वन के साथ हूँ. बिकॉज इट इज सो इम्पोर्टेंट. डेली लाइफ में इतना स्ट्रेस है. द ऑक्सीटोसिन एंड द लव हार्मोन दैट इज गोइंग टू रिलीज इन योर बॉडी, इट विल एक्चुअली हेल्प यू रिड्यूस स्ट्रेस. आपके स्ट्रेस को कम करेगा, आपके मूड को लिफ्ट करेगा, इट विल एक्चुअली कीप यू गोइंग, यू नो. सो इट इज सो इम्पोर्टेंट एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट हैबिट दैट एक्चुअली drastically had a very very positive impact in my life. The last habit that I'm going to share with you guys is the most important habit. And ये मुझे पता है मैं आप लोगों को बोलती आई हूँ कि वेट लॉस के लिए आपको जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, आपको कैलोरीज कम करनी चाहिए एंड ऑफकोर्स आप लोगों को करना चाहिए. पर ये एक हैबिट है जो मैं करती हूँ एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें, आप लोग इनकॉर्पोरेट करें, एंड दैट इज लिसनिंग टू योर बॉडी. अगर आप लोग फैट क्रेव कर रहे हो इन जनरल, इट इज प्रॉबेबली बिकॉज आपको जितनी जरूरत है फैट लेने की, जितनी आपके लिए हेल्दी है, आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आप उससे कम फैट ले रहे हो. ग्लूकोज इन जनरल हमारे बॉडी में एक्चुअली एनर्जी जनरेट करता है. तो अगर आप लोग मीठा बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हो तो ये आपके बॉडी आपको बोलने की कोशिश कर रहा है कि या तो आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत कम है या आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है. सो आपको खुद को पता करना पड़ेगा. आपको तो पता है कि आप पिछले कुछ दिनों से क्या खाते आए हो. अगर आप बहुत सारा मीठा खाते आए हो, इन दैट केस इट इज योर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू कि आपके बॉडी अभी ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा हो गया है. इट इज गोइंग टू यू नो मेक यू ओवर ईट एंड मेक यू गेन वेट. तो तब आपको कॉन्शियसली मीठे से दूर रहना है. अगर आप लोग पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से बिल्कुल मीठा नहीं खा रहे हो बिकॉज यू आर डाइटिंग एंड आप बहुत मीठा क्रेव कर रहे हो तो गो अहेड एंड हैव सम स्वीट. इट इज ओके टू हैव अ चॉकलेट केक. इट इज ओके टू हैव योर यू नो मिठाई, रसगुल्ला, आपको जो पसंद है. लेकिन पोर्शन इट आउट, एक क्वांटिटी में खाओ जो आपको एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि एकदम क्रेव किया पता चला कि पिछले कुछ हफ्तों में मीठा नहीं खाया है तो एक पूरा चॉकलेट केक खा लिया. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. गो अहेड एंड पोर्शन इट आउट एंड मेक श्योर कि आप अपने बॉडी की सुने. क्या होता है ना कि बहुत टाइम बहुत ज्यादा जब स्ट्रेस होता है कि तो लोगों को चॉकलेट की बहुत क्रेविंग होती है. दैट इज बिकॉज मैग्नीशियम है चॉकलेट में जो आपके स्ट्रेस लेवल को नीचा करता है. तो इट इज योर बॉडीज वे ऑफ टेलिंग यू कि आपके बॉडी को मैग्नीशियम अभी चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल लो हो. तो अपनी बॉडी की सुनो. जो आपकी बॉडी आपको कहने की कोशिश कर रहा है उस चीजों से खुद को मत रोको. मेक इफ इट इज समथिंग दैट इज गोइंग अगेंस्ट योर डाइट यू कैन स्टिल गो अहेड एंड हैव इट बट पोर्शन इट आउट. एक लिमिटेड पोर्शन में खाओ पर खाओ. अपनी बॉडी की सुनना सबसे इंपॉर्टेंट है. इट इज वे बियॉन्ड एंड वे अबव एनी काइंड ऑफ वेट गेन और वेट लॉस और मसल गेन और मसल लॉस जर्नी. जो आपकी बॉडी आपको बोलने की कोशिश कर रहा है मैं हमेशा सुनती आई हूँ एंड इट इज हाई टाइम कि आप लोग भी सुनना शुरू कर दें. शाहरुख खान ने कहा था कि हम लोग सिर्फ एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं. तो ये सबसे बिल्कुल सही बात है. खुद को ज्यादा फोर्स मत करो, खुद को ज्यादा मतलब खुद को कोसो मत, खुद को ज्यादा ब्लेम मत करो. अपने आप में जो नेचुरली आता है वही करो. लेकिन इट इज सो इम्पोर्टेंट टू consciously choose for something that is healthy for your mind and your body. So, ये कुछ habits थे जो मैं करती आई हूँ and which has actually had a very positive impact on my life. I really hope you enjoyed watching the video. If you did, please मेरे channel को subscribe कीजिएगा और subscribe button के ठीक पास bell button है उसको भी click कर दीजिएगा ताकि आप लोग जब मैं next video upload करूँ सबसे पहले notified आप ही लोग हो. I love you guys so much. आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हो and I'll see you guys very 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 soon. Bye guys, take care.